इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गौतम चंद मदना, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री विशाल श्रीमती पूजा, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री अभिजीत श्रीमती श्वेता, पौत्र विपुल अंशुल ब्राह्मेश प्रिशा काला परिवार गुलाजवाला ग्योराय, पुत्री प्रियंका श्री प्रवीण वीरा पाटनी परिवार धुले पुणे, शोभा अजीत चंद जी, अनीता राजेंद्र कुमार जी, वैशाली संजय कुमार जी, समीक्षा सम्यक खुशी परी तनिष एवं समस्त सेठी परिवार पाचौड़ छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र, बेटी दामाद प्रीति दीपक कासलीवाल दीपाली गौरव कासलीवाल खंडाला वाले छत्रपति संभाजी नगर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 रयण सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र प्रांत के जिला बीड की धर्मनगरी गेवराई स्थित ऐतिहासिक एवं सुप्रसिद्ध तीर्थधाम श्री 1008 नंदीश्वर जैन अतिशय क्षेत्र पांचालेश्वर का वार्षिक यात्रा महोत्सव मनाया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 मनमित सागर जी महाराज व मुनि श्री 108 अर्पण सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 ऐश्वर्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 मार्च 2023 को बड़े धूमधाम से मनाए गए इस महोत्सव में पुण्यशाली भक्तों ने श्री नंदीश्वर विधान के साथ साथ तीर्थ पर विराजमान भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का महामस्तक अभिषेक करने का परम सौभाग्य भी पाया। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं इस महोत्सव के अनुपम दृश्यों का। अष्टानिका महापर्व के मंगल अवसर पर 1 मार्च 2023 को महाराष्ट्र प्रांत के जिला बीड की धर्मनगरी गेवराई स्थित ऐतिहासिक एवं सुप्रसिद्ध तीर्थधाम श्री 1008 नंदीश्वर जैन अतिशय क्षेत्र पांचालेश्वर का वार्षिक यात्रा महोत्सव बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया। परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 मनमीत सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्पण सागर जी महाराज एवं पूज्य छुल्लक श्री 105 ऐश्वर्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में धूमधाम से मनाए गए इस महोत्सव का शुभारंभ नित्य मह पूजन से हुआ, जिसके अंतर्गत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम मंगल द्रव्यों से प्रभु का अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों का नाश किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य प्रभु जी के मस्तक पर शांति धारा अर्पित कर निज कल्याण की भावना भाई। भगवते श्रीमते प्रशांतिमते शांतिनाथाय शांतिकराय कृपापनष्टाय सर्वा विनाशनाय सर्वरोगोपनष्टाय तपोनष्टाय सर्वनष्टाय सर्वश्यामनाष्टाय ओं ह्रामेन्द्रोपुरा सर्वा सर्वपूजिकाणां सर्वरुद्धिमृत्युस्वाम् ओं नमः श्री शान्तिदेवाय सर्वस्मै शान्तिकराय शांति धारा के उपरांत पूज्य गुरुदेव के सानिध्य एवं विधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से जल फलादि के अर्घ्य समर्पित करते हुए श्रेष्ठियों ने श्री नंदीश्वर विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। पूर्व दिश में शास्त्र तेरह शैत्यालय है, हम उनकी भक्ति विधान चाह जाएंगे, मोक्ष
इसी दौरान भक्तों ने तीर्थ में खड्गासन मुद्रा में विराजमान तीर्थंकर श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। इसी क्रम में आयोजन कमेटी के सदस्यों ने महोत्सव में पधारे अतिथियों एवं गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए, तो वहीं श्रेष्ठियों ने श्री क्षेत्रपाल बाबा के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर उनकी आराधना की। कार्यक्रम श्रृंखला की अग्रिम कड़ी में पुण्य प्रतापी भक्त परिवार ने विधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित सभी भक्त कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मधुर भजनों को श्रवण कर प्रभु भक्ति में झूम उठे। आज थाने आनो है भक्ति की है बात, भक्ति की है बात बाबा, आज थाने आनो है यो बोल निभानो है भक्ति की है बात। इसी क्रम में श्राविकाओं ने परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष श्रीफल अर्पित कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। वार्षिक यात्रा महोत्सव के पावन अवसर पर तीर्थधाम श्री 1008 नंदीश्वर जैन अतिशय क्षेत्र पांचालेश्वर के विकास और नंदीश्वर द्वीप के जलाभिषेक के निमित्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी धर्म स्नेही बंधुओं का तिलक वंदन कर बहुमान किया गया।
इसी बीच श्रद्धालुओं ने भक्ति गीत के माध्यम से गुरु चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित की। तेरे लिए टुकड़ो से बचती उसकी जान, गाएगा गीत तेरे सदा ही मान लो, पंचाड़ेश्वर के लिए थोड़ा सा दान दो। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्त परिवार ने पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को पखार कर उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण किया, तो वहीं अन्य श्रेष्ठियों ने गुरुदेव को जिनवाणी भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से संयम मार्ग पर चलने को तत्पर हुए धर्म परायण श्री जय कुमार जी गंगवार की धूमधाम से गोद भराई की रस्म संपन्न की गई। उनके लिए कोई बात नहीं। गोद भराई के उपरांत आया समय मंगल प्रवचनों का। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को धर्म का सार बतलाया। यहाँ देख रहे हैं आप, पर्व का दिन है आज। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इस तरह से पर्व मनाया गया, यह उत्सव तो बहुत अच्छी तरह से, और सभी ने तन मन धन से भाग लिया है। बहुत अच्छी तरह से पर्व मनाए गए, यहाँ मनाए गए उत्सव मनाए गए हैं। तो इसी तरह से आप पुण्य कमाएंगे तो पुण्य काम आगे काम में आने वाला है। तो अपने जीवन में विचार करो क्या साथ में आने वाला है। आया था नंगा जाएगा नंगा, बीच में क्यों करता है दंगा, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, और आखिरी में मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा। ऐसी जो बुद्धि, इस बुद्धि को निकालने के लिए साधु संत आते हैं और कहते हैं कि बाबा तेरा कोई नहीं, तू अकेला आया था, अकेला जाने वाला है, तेरे साथ में कोई आने वाला नहीं, इसलिए तुझे क्या करना है, जानना है मेरी आत्मा को, जानना है तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। इसी तरह से हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे, भेद ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो निश्चित है कि आत्मा परमात्मा बनेंगे। आज तक हम संसार में भटकते रहे भटकते रहे भटकते रहे, क्यों? कभी आत्मा को जाना नहीं, कभी धर्म को जाना नहीं, कभी गुरुओं की बात को कभी स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, सम्यक्त्व को धारण किया, मिथ्यात्व में फंसे रहे, इसलिए संसार में भटक रहे। गुरु प्रवचनों के पश्चात आया अवसर भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी के महामस्तकाभिषेक का। पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु का विभिन्न फलों के रस एवं शुभ द्रव्यों से अभिषेक कर अपने जीवन को धन्य बनाया। ओम रीम श्रीं क्रीं ह्रीं वरं वं हं सं तं पं वं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हम शाम ताम पाम वाम 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 हम हम शाम शाम ताम ताम पाम पाम जाम जाम जीम श्रीम ग्राम ग्राम दीम दीम द्रावे द्रावे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम् करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में मैं डूबे देगा दे आ रहा हो
अभिषेक के उपरांत श्रेष्ठियों ने रोग शोक एवं दोषों के निवारण के उद्देश्य से रिद्धि मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा की। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्री प्रक्षणा शेष दोषाय दिव्य तेजो मोर्ते महा शांतिनाथाय शांति कराय विश्वादिव्य शांति कराय पद्म चंद्रा शांति कराय नंद्रा शांति कराय तर पापा है रोगा प्रवृत्ति क्षाम ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रह अस्ति आऊसा आचार्य उपाध्याय सरसवर्णाशीर्वादिन आचार्य श्री रेणसागरमाशीर्वादिन आचार्य श्री मेन्सागरमाशीर्वादिन प्रभुज श्री मोक्ष आशीर्वादिन प्रभुज श्री तुलसी केशवसागर आशीर्वादिन। शांति धारा के बाद पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर मंगल आशीष पाया। महोत्सव की समापन बेला में श्रेष्ठियों ने श्री जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों भी आपने आनंद लिया महाराष्ट्र प्रांत के जिला बीड की पुण्य धरा गेवराई स्थित ऐतिहासिक एवं सुप्रसिद्ध तीर्थधाम श्री 1008 नंदीश्वर जैन अतिश्य क्षेत्र पांचालेश्वर के वार्षिक यात्रा महोत्सव के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी दिगंबर जैन आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 ऐश्वर्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 मार्च 2023 को हर्षोल्लास के साथ मनाए गए इस महोत्सव में सहभागी बन पुण्यशाली भक्तों ने अपने जीवन को धन्य बनाया। दर्शकों आशा है कि आपने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही धर्म लाभ अर्जित किया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गौतम चंद मदना, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री विशाल श्रीमती पूजा, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री अभिजीत श्रीमती श्वेता, पौत्र विपुल अंशुल ब्राह्मेश प्रिशा काला परिवार गुलाजवाला ग्योराय, पुत्री प्रियंका श्री प्रवीण वीरा पाटनी परिवार धुले पुणे, शोभा अजीत चंद जी, अनीता राजेंद्र कुमार जी, वैशाली संजय कुमार जी, समीक्षा सम्यक खुशी परी तनिष एवं समस्त सेठी परिवार पाचौड़ छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र, बेटी दामाद प्रीति दीपक कासलीवाल, दीपाली गौरव कासलीवाल खंडाला वाले छत्रपति संभाजी नगर।